हाय, तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरा चूड़ियों का कलेक्शन। चूड़ियों का कलेक्शन लाने का मेरा जो रीज़न था वो ये था कि करवा चौथ आ रहा है और हम सभी जानते हैं कि चूड़ियों का जो है वो करवा चौथ में क्या महत्व है, साथ ही साथ एक औरत की एक्सेसरीज में चूड़ियाँ क्या मायने रखती है ये हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। बहुत सारे मूवीज़ के सॉन्ग बने हैं इस पर और बहुत सारा जो कवियों ने अपनी कविताएं भी लिखी है। तो मैं शुरू करना चाहूँगी मेरे चूड़ी के बॉक्स से। ये चूड़ी का बॉक्स है ये मेरा, और ये मुझे शादी में गिफ्ट मिला था। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही प्यारा है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तीनों तरफ से बटने हैं इसमें पूरा कलेक्शन आता नहीं है मेरा, कुछ बाहर रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। जी जी, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ उस चूड़ी से जिसने मेरा जो कंगन पहनने का जो दौर है वो ख़त्म कर दिया और चूड़ियों का दौर शुरू कर दिया, यानी मेरी सगाई की जो बैंगल्स थी वो। तो ये जो है ये मेरी सगाई की बैंगल्स हैं जिन्हें मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। बहुत ही अच्छी, एलिगेंट और सब कुछ है इसमें। इसमें देखा जाए तो मोती का वर्क है, स्टोन्स है इसमें, और इसमें मिरर वर्क भी है। बट अब ये हो चुका है, मेरी सगाई को खुद को हो चुके हैं 9 साल और ये काफ़ी पुराना हो चुका है। मैंने बहुत संभाल के रखा है, मेरी आदत है चीज़ें मैं काफ़ी अच्छे से संभाल के रखती हूँ। लॉक्स वाली चूड़ियाँ है इसलिए ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि कहीं भी जाना हुआ बस डाला, हाथ में लॉक किया और चल दिया। और मुझे जो चूड़ियाँ पहनने में बहुत परेशानी होती है कि मेरा जो हाथ है वो नाजुक नहीं है, बहुत जल्दी चूड़ियाँ जाती नहीं है। तो यही एक चूड़ी है जो बहुत इजीली पटाक से बहुत ही जल्दी जल्दी मैं पहन पाती हूँ। तो इसमें हर तरह का वर्क है। ये मैंने सिया से लिए थे, इंदौर सिया से, मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था ये सगाई पे। तो ये मेरे जो है बहुत पसंदीदा है, बहुत पसंद करती हूँ मैं इन्हें, और आपको भी पसंद आएंगे। देखिए बहुत खूबसूरत है। सिया से लिए थे अपनी शादी की चूड़ी पर, ये भी मैंने सिया से लिया था। और एक मिनट दिखाती हूँ, हाथ में आता ही नहीं है एक्चुअली इतना सारा। ये इसमें हर तरह का वर्क है। अगर आप मैंने आज से 9 साल, हाँ करीब 9 साल पहले कुछ मेरे मम्मी ने, ये भी मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था। हमारे यहाँ शादी में हरी चूड़ी पहनने का रिवाज है, तो इसमें हरी चूड़ियाँ थी और लाल चूड़ियाँ भी थी, तो इसलिए। और ये खूबसूरत है ही, ये सिर्फ लाल और इसकी रंगत तो है ही, साथ ही साथ इसमें जो काम है वो, उस टाइम में मैंने ये अराउंड कुछ 2000-2500 का कुछ ऐसा लिया था। अगर आप आज सिया में सिर्फ इसकी ये बैंगल्स जो रेड कलर की दिख रही है, अगर हम आज ये सिर्फ ये बैंगल्स ही अगर लेने जाए, मैंने मोतियों के इसमें जैसे ये बैंगल्स ही अगर हम लेने जाए, तो ये हमको सिर्फ दो चूड़ियाँ ही हमें 2000 की कुछ देते हैं। मैंने उस टाइम पे ये पूरा सेट लिया था सिया से, और ये मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ हर शादी में, हर इसमें। ये क्या पिंक चूड़ी इसमें आ गई है, तो ये बहुत ही, अब ये जो है ये दोनों ही मेरे जो सेट है, ये जो सिया सगाई वाला और शादी वाला, ये दोनों ही ओल्ड हो चुके हैं, इनकी पॉलिश जा चुकी है, पॉलिश उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हम खरीद के लाते हैं। तो मैंने सिया में बात की थी कि आप मेरा ये जो है सेट है मैं ये पॉलिश करने के लिए दे सकती हूँ क्या, उन्होंने बोला आप लेकर आइए हम देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वो इसको ठीक कर देंगे, क्योंकि हाँ वो ज़रूर मुझे चार्ज करेंगे इसके लिए, क्योंकि अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है, आउट ऑफ वारंटी है। तो मुझे इसके लिए डेफिनेटली पे करना पड़ेगा कुछ, पर मैं पे करना चाहूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हम सबसे पहले आते हैं मेरा रिसेंट का सेट जो मुझे बहुत पसंद है। इट्स रियली रियली बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप कभी भी पहनो तो सब पूछते हैं कि कहाँ से लिया है क्या। 3D फ्लावर्स बने हैं इसके ऊपर, 3D रोज़ है, ये देखिए
3D रोज़ बने हुए हैं, और ये मैंने अपनी रेड और पर्पल साड़ी के साथ में लिया था। ये मैंने ख़रीदा था देवास में, चूड़ी बाखल है वहाँ से। चूड़ी बाखल की बात कर रही थी मैं, तो चूड़ी बाखल में चारों तरफ जो है वो चूड़ियों की दुकानें हैं। हर तरह की चूड़ियाँ दिखेंगी आपको, प्लास्टिक की, लाख की, कांच की, मेटल की, और लेटेस्ट से लेटेस्ट कलेक्शन। तो मैंने जो अपना रिसेंट का ये सेट ख़रीदा था, ये चूड़ी बाखल से लिया था, और ये रहा वो सेट। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको रॉयल ब्लू चूड़िया। ये अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं की है, अभी तक मैंने पहनी ही नहीं है एक्चुअली। और ये देखिए, ये भी मेरी एक साड़ी की मैचिंग है, पर मैंने उस साड़ी के साथ में नॉर्मल अपने कंगन डाल लिए थे, ये नहीं डाला था, खरीद के रख लिया था। इसमें भी कांच का काम है, और ये भी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर दिखेंगे हाथ में। तो रख डब्बे में रख देते हैं, क्योंकि कांच का काम है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही क्यूट कलर का है मेरे पास में एक बैंगल सेट, बेबी पिंक। बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये इसी कलर की मेरे पास साड़ी है, ऐसा ही स्पार्कल है इसमें, पूरा जो है नक का काम है। और जिस तरह से ये अभी चमक रही है, नॉर्मल हम पहनते हैं तभी भी इसी तरह से चमकती है, क्योंकि हम जो पहनते हैं इस तरह की जो बैंगल्स होती हैं हम पहनते हैं वो शादियों में, इस तरह से वहाँ पे तो बहुत लाइटिंग होती, तो ये बहुत सुंदर दिखती है, बहुत चमकती है, बहुत प्यारी दिखती है, बेबी पिंक कलर की ये चूड़ियाँ। तो ये है हमारी लाख की चूड़ियाँ, जो बहुत ही एक सुहागन की निशानी मानी जाती है बिहार में, और आप आसाम में आप देखा जाए वहाँ पे जो लाख की चूड़ियों का है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नॉर्थ में, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। और ये बहुत ही पीला कलर है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ट्रेडिशनल है, ये बहुत ट्रेडिशनल है। ये हाथ में अलग ही उठ कर दिखती है, ये है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नॉर्मली जो है अपने पास जो है वो ऐसी एक्स्ट्रा चूड़ियाँ रखती हूँ, एक्स्ट्रा चूड़ियाँ रखती हूँ जिनसे आप सेट बना सकें। जैसे ये जो चूड़ियाँ है मेरे पास में, येल्लो और पिंक, ये पूरी मेटल की है, और कभी भी मुझे सेट बनाना होता है या कुछ तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ। अगर मुझे येल्लो साड़ी है या पिंक साड़ी है, इस तरह से मेरे पास इस तरह की रेड, ग्रीन और ये भी चूड़ियाँ हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा चूड़ियाँ रखने से ना हमें हड़बड़ाहट नहीं होती, हम अगर हमारे पास कोई प्लेन चूड़ियाँ भी है तो हम मिक्स एंड मैच करके इन कंगन के साथ में, इन चूड़ियों के साथ में हम पहन सकते हैं अच्छे से। तो इस तरह की एक्स्ट्रा चूड़ियाँ सेट है, इसको बांध के रखा हुआ है ताकि ये इधर उधर ना हो। ये कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत सारे स्पार्कल है और बहुत सारी चूड़ियाँ है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है हाथ में। इसमें कड़ा है और इसमें जो है मेटल का काम है। सारी मेरे पास मोस्टली जो है ये जो कलेक्शंस में है मोस्टली जो है मेटल की चूड़ियाँ है। कांच की चूड़ियाँ कई बार टूट जाती है, उनकी अलग बात होती है, खनक अलग होती है, बट ये मेटल की इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मेरा हाथ जो है वो बहुत ईजीली कांच की चूड़ियाँ जाती नहीं है। अगर मैं मेटल का मतलब सेट मैंने कांच का ख़रीदा और वो उसमें से कुछ भी चूड़ी है वो एक या दो टूट गई, मतलब वो सेट ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं मोस्टली मेटल का सेट ही प्रेफर करती हूँ। तो ये एक है मेरे पास सेट है, बहुत प्यारा है। ये एक सेट है, देखिए इसका कहीं निकल भी रहा है, ये इसको ग्लू से चिपकाना पड़ेगा। अगर आपका भी ऐसा कुछ ये निकल रहा होता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास जो फेवी क्विक आता है ना, फेवी क्विक से आप इसको माइन्यूट, क्योंकि उसकी बहुत जो है टिप पतली होती है, तो बहुत फिनिशिंग के साथ आप इसको वापस लगा सकते हैं। तो ये सेट है और अच्छा है, ये ग्रीन और ब्लू का मिक्स है एक्चुअली। ये दिखाती हूँ स्काई ब्लू, ये सेट है मेटल का, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है ना, बहुत ज़्यादा ये डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, देखा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट कलर है ये एक्चुअली। तो ये एक सेट है मेरे पास में, और ये है लाख का बना हुआ है, ब्राउन कलर का है, रेड ग्रीन मिक्स है, इसमें हम बीच में रेड चूड़ियाँ भी डाल सकते हैं, ग्रीन भी डाल सकते हैं। लाख का है ये, मेरे ससुराल की तरफ से आया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो सेट है ये मुंबई से लिया हुआ है, मेरी बहन ने गिफ्ट किया है, बहुत प्यारा सेट है, स्टार है इस तरह से, ये स्टार है बने हुए।
तो ये सेट है, ये नॉर्मली ऐसे भी पहनेंगे तो काफ़ी हैवी है और ऐसे भी पहन सकते हैं। मुंबई से लिया हुआ है ये, बहुत मुंबई में भी काफ़ी इस तरह का सामान मिलता है। तो वहाँ खाती हूँ पिंक एंड ऑरेंज। लट्टू कहाँ है इनके सबके? एक मिनट बोले चल। ये है पिंक एंड ऑरेंज है और बहुत ही प्यारा सेट है, मेटल का है और इसमें लड्डू है, ये उलझ गए हैं लड्डू इसमें। कुछ का तो डांस करते करते लड्डू भी टूट गया है, यहाँ पे दिख रहा है एक का। शादियों का है, शादियों में ही मोस्टली ऐसी हैवी चूड़ी पहने जाती है, तो शादियों में डांस करते करते ये लड्डू टूट गया है इसका। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही अपीलिंग है ये कॉम्बिनेशन, तो सबको पसंद आता है पिंक एंड ऑरेंज, सबको अच्छा लगता है ये। अब काफ़ी मैरिज में पहनने के लिए काफ़ी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है पिंक एंड ऑरेंज। ये देखिए ये कंगन के सेट है, ये भी मिक्स एंड मैच कर लीजिए आप किसी भी इसके साथ में। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा थोड़ा सा कम टू फॉर्मल कलेक्शन। ये जो था आपका ट्रेडिशनल था, अब मैं आपको थोड़ा फॉर्मल कलेक्शन दिखाती हूँ अपना, जिसमें सबसे पहले ये बैंगल देखिए, ये कड़ा सिर्फ गोल्ड की बहुत ही प्यारी सी इसमें फ्लावर्स बनी हुई है, ये बस इतना ही है ये। और ये अच्छा लगता है कि जब आपको बहुत ही नॉर्मल ऐसा पार्टी वियर इस टाइप का कुछ पहनना होता है तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है इस तरह से। ओपन वाला है, ओपन एंडेड वाला ये। फिर उसके बाद में आती हूँ मैं, अब थोड़ा बोला था मैंने इनफॉर्मल पर मैं भूल गई आपको बताना, जो मेरा मोती का जो सेट है ये है स्पेशली महाराष्ट्रीयन लोग जो है वो बहुत पहनते हैं ये शादी में। ग्रीन चूड़ियों के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है, इट गिव्स यू अ फेमिनाइन लुक, आपको ये फेमिनाइन लुक देता है और बहुत ही नाजुक दिखता है हाथों में, ये ग्रीन चूड़ियों के साथ में बहुत अच्छा दिखता है। तो ये आप मोस्टली आप देखेंगे जो महाराष्ट्रियन ब्राइड्स होती है वो इस टाइप की चूड़ियाँ पहनी हुई आपको दिखेंगी, या तो शादी में या तो जब वो न्यूली वेड होती है तब। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, नियर टू फॉर्मल है, आप ऐसे ही पहन सकते हैं ये मेटल की ये चूड़ियाँ। ये चार चूड़ियाँ हैं इस तरह की, ऐसे कंगन बोलेंगे चूड़ियाँ बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसमें मीना का काम इसमें सॉरी यहाँ ये मीना का ही काम है, मीना है, अलग अलग कलर के मीना लगे हुए हैं मल्टी कलर टाइप। तो ये हम किसी भी कुर्ता या जो हाँ किसी भी कुर्ते के साथ में, हम किसी भी ट्रेडिशनल वियर के साथ में हम इसे मैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर है ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार चूड़ियों का सेट, जो आपको जो ऑफिस ऑफिस में पहनने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ये स्टोन्स, ट्रांसपेरेंट स्टोन्स है, जिस तरह से चमक रहे हैं ये ऐसे ही चमकते हैं और जब भी पहनो तो दूर से ही दिख जाते हैं हाथ में। आप जब कभी भी पहनेंगे इसको तो मतलब मैं जब भी पहनती हूँ तो सब पूछते हैं अरे कहाँ से लिया कहाँ से लिया, तो मैं बोलती हूँ अरे ये मेरे ही कलेक्शन का है। एक्चुअली आपको अगर पता होगा तो मैं ज्वेलरी में भी काम करती हूँ, तो ये उसी एक कलेक्शन में से है जिसमें जो मेरा बहुत पसंद किया था लोगों ने और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था मुझे इनका, ये तो मैंने एक अपने लिए भी रख लिया था। तो ये है जो बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ही शानदार है, और ये ऑफिस ऑफिस में पहनने के लिए या नॉर्मल ऐसे ही पहनने के लिए बहुत अच्छी है। तो ये बहुत प्यारी है और ये मुझे पसंद है। जो कलेक्शन है बैंगल का आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।